बेटा देखो आज हम लोग माइटोसिस के बाद जो दूसरा डिवीजन पढ़ेंगे जो जर्म सेल्स में होता है उस डिवीजन को हम लोग मियोसिस कहते हैं। तो मियोसिस में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। ये मियोसिस किसी भी एनिमल के बॉडी में केवल जर्म सेल में होता है और ये तब होता है जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। जैसे अगर मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होना है, फीमेल में ओबम का फॉर्मेशन होना है, तो उस समय ये डिवीजन शुरू होता है। मतलब मेल में शुरू होता है ये 12-13 साल में जब स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होती है, लेकिन फीमेल में ये फ्रॉम द बर्थ होता है। मतलब फीमेल में फ्रॉम द बर्थ मियोसिस शुरू होती है, मियोसिस के अंत में वहां पर ओबम का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर मियोसिस के अंत में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो आइए देखते हैं मियोसिस में कौन कौन से इवेंट्स हैं। देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इवेंट है, ये बहुत ही लंबा सा प्रोसेस है जिसपे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर आप पूरा एक बार टॉपिक समझ जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे, तब आपको बात समझ में आएगी। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान अपना हटाया तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आइए शुरू करते हैं मियोसिस। आइए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग डालें, सबसे पहले कि भाई ये देखिए हमारा मियोसिस है, चाहे इसे हम लोग कहें मियोसिस और चाहे इसे हम लोग कहें मियोटिक डिवीजन है, मियोसिस या इसी को हम लोग मियोटिक डिवीजन कहते हैं, मियोसिस या इसी को मियोटिक डिवीजन कहते हैं। ये देखिए तो इस मियोसिस मियोटिक डिवीजन को अगर हम लोग एक्सप्लेन करें कि मियोसिस है क्या, कैसे होता है, तो सबसे पहले आप इसके डिस्कवरर का नाम ढूंढ लें, टर्म कॉइंड बाई फार्मर एंड मोरे, टर्म क्वाइंड बाई एक साइंटिस्ट टर्म का नाम है फार्मर, टर्म क्वाइंड बाई फार्मर एंड एक दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मूरे। तो ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले मियोसिस टर्म का इस्तेमाल किया, सबसे पहले इन्होंने मियोसिस टर्म का इस्तेमाल किया। तो इस मियोसिस में होता क्या है, इस मियोसिस में ये घटना होती है कि मान लीजिए ये एक खास तरह की सेल है, पेरेंट सेल है, मान लेते हैं ये पेरेंट सेल है तो इस पेरेंट सेल की प्लॉयडी मान लेते हैं 2 M है, मतलब डिप्लॉयड है। मियोसिस हमेशा डिप्लॉयड सेल्स में ही होती है और इस सेल के डिवीजन से चार सेल्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब लगातार चार सेल बनती है। और अब ये देखिए इन सेल्स की पहले आप प्लॉयडी देख लें, ये चार सेल्स बनती है, इन चारों सेल्स में आपको इसे देखना पड़ेगा कि ये देखिए ये n बराबर 23 है, मतलब हैप्लॉयड, ये n बराबर 23 है हैप्लॉयड, ये भी n बराबर 23 है हैप्लॉयड और ये भी n बराबर 23 है हैप्लॉयड। मतलब आप एक बात समझे कि एक डिप्लॉयड सेल से, एक पेरेंट डिप्लॉयड सेल से चार हैप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन मियोसिस में होता है, क्योंकि क्रोमोसोम यहाँ 46 है, 2n बराबर कितने क्रोमोसोम है, 2n बराबर यहाँ 46 क्रोमोसोम है और n बराबर वहां 23 क्रोमोसोम है। तो 46 से जब 23 बनता है तो इस तरह के डिवीजन को मियोसिस कहते हैं। अगर आपको इसकी डिफिनेशन लिखना हो तो इसका एक दूसरा नाम और है, इसे हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं, आप बेसिक सी सिंपल सी बात सोचे, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, आपको ये सोचना है क्या है रिडक्शनल डिवीजन। तो आप ये देखिए यहाँ पर क्रोमोसोम कितने हैं 46, यहाँ डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम कितने हैं 23, तो 46 का हाफ कितना होगा 23, क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो गई, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। डिफिनेशन अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, अपेरेंट डिप्लॉयड सेल डिवाइड्स इनटू 4 हैप्लॉयड क्या बेटा डॉटर सेल्स, 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स, मतलब एक पेरेंट डिप्लॉयड सेल है जिससे 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये सारी डॉटर सेल्स होती हैं गैमेट से पाई जाती हैं। तो इस तरह से मियोसिस में देखिए तो एक पेरेंट डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इस डिवीजन को हम लोग मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। अगर एक बात और देखें, एक शब्द आपको मिलेगा बार बार कि मियोसाइट्स क्या है, तो मियोसाइट्स क्या है ये भी देखना पड़ेगा। मियोसाइट्स की प्लॉयडी हमेशा 2n होती है। एनसीईआरटी कहती है स्पेशलाइज्ड सेल्स इन विच मियोसिस टेक्स प्लेस, स्पेशलाइज्ड सेल्स इन विच मियोसिस टेक्स प्लेस, वो सेल्स इन विच मियोसिस टेक्स प्लेस,
वो स्पेशलाइज सेल्स हैं जिनमें मियोसिस का फॉर्मेशन होता है, जिनमें मियोसिस होती है उन सेल्स को मियोसाइट्स कहते हैं। नाम ही देख लीजिए, जिनमें मियोसिस होगी उन सेल्स को मियोसाइट्स कहेंगे। मियो माने मियोसिस होगी, साइट्स माने सेल्स पे, उन सेल्स पे जिसमें मियोसिस हो रही है। तभी आखिर सेल्स है कहाँ पे? अगर आप इसे एनिमल्स पे देखें, अगर आप एनिमल्स पे देखें, पहले आप इसको एनिमल्स पे देख लें। तो अगर आप एनिमल्स पे देखते हैं तो एनिमल्स पे देखिए, पहली हालत यह है कि मेल हो तो मेल में ये सेल्स है कहाँ पे? टेस्टिस पे। मेल में ये सेल है टेस्टिस पे। तो टेस्टिस पे ये कौन सी सेल है? इनका नाम है जर्म सेल्स। ये जर्म सेल्स है, टेस्टिस के अंदर जर्म सेल्स है। इनमें एक प्रक्रिया होती है बेटा जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये एक प्रक्रिया है स्पर्मेटोजेनेसिस, और इस स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति में स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें मियोसिस शुरू हो गई है। तो मतलब मेल में मियोसिस कब शुरू होगी? 12-13 साल में, जब क्लास 9th या 10th में लोग जाते हैं तब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तब ये प्रक्रिया टेस्टिस में होती है। अगर आप इसे देखें कि फीमेल में, अगर देखें फीमेल में देखें तो फीमेल में अगर आप देखेंगे तो ये फीमेल की ये ओवरी में घटना होती है। ओवरी में भी कौन सी सेल्स हैं? सेम सेल्स हैं जिन्हें हम जर्म सेल्स कहते हैं, और इन जर्म सेल्स में खास तरह का डिवीजन होता है जिसे हम लोग ओजेनेसिस कहते हैं। ये देखिए ओजेनेसिस कहते हैं, इस ओजेनेसिस से ओवम का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए तो स्पर्म का अच्छा ये स्पर्म कितने बनते हैं? चार, लेकिन आपको बता दूं ओवम बनती है एक, तीन जो से और सेल्स बनती है वो जो है उन्हें हम लोग पोलर बॉडीज कहते हैं। तो इस तरह से मेल फीमेल में देखें तो ऐसा है। अगर आप प्लांट्स पे देखें, अगर आप प्लांट्स पे देखते हैं तो प्लांट्स पे अगर आप देखें तो जो मेल है, मेल मतलब जिसे एंडोसियम कह रहे हैं, तो उसके देखिए स्टेमन में जो होता है, स्टेमन का जो एंथर है उसे एंथर पे, स्टेमन के एंथर में ये एक खास तरह की सेल्स पड़ी होती है जिनको हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं। शॉर्ट में इनको हम लोग एमएमसी कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या एमएमसी कहते हैं। इसमें प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जैसे आप वहां देख रहे हैं ना कि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस है, ऐसे प्लांट्स में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है जिससे फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर का, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर। अगर आपको इतनी सिंपल बात नहीं समझ में आ रही है तो आप लिख लीजिए सर पॉलीग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए तो ये माइक्रोस्पोर कैसे है? हैप्लॉयड। मतलब आप ये समझे कि जो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों जो है, स्पर्मेटोजेनेसिस एनिमल्स के मेल में होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्लांट्स के मेल मतलब एंथर में होता है। इसी तरह से अगर आप इसका फीमेल वर्जन देखें कि फीमेल में ये कहां पर हो रहा है, तो ये देखिए फीमेल के ये ओवरी में होता है, इस ओवरी में होता है, ओवरी में, इस ओवरी में एक खास तरह की सेल है जिसको हम लोग मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं। इस मेगा स्पोर मदर सेल में ये भी सेल डिप्लॉयड होती है, इसमें एक खास तरह की प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और इस मेगा स्पोरोजेनेसिस से मेगा स्पोर या इसी क्वेटा हम लोग एम्ब्रियो शेक कहते हैं, एम्ब्रियो शेक का फॉर्मेशन होता है। अगर आपको पता होगा तो ये प्लांट का फीमेल गैमीट है, ये प्लांट का फीमेल गैमीट है, ये प्लांट का मेल गैमीट है, ये एनिमल्स का फीमेल गैमीट है, ये एनिमल्स का मेल गैमीट है। एक टेक्निकल बात मैं आपको बता दूं, जब एनिमल्स में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है तो सेल्स हमेशा चार बनती हैं, चाहे आप यहां देख लें और चाहे यहां देख लें। मतलब एक सेल से चार सेल बनेगी जो आप ये देख रहे हैं, चाहे वो प्लांट का एनिमल हो मेल हो, चाहे प्लांट का मेल हो चाहे एनिमल्स का मेल हो, दोनों में एक सेल से चार सेल का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखें, मतलब अगर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है तो एक बार में चार स्पर्म बनेंगे एक सेल से।
अगर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रही है तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अगर आप फीमेल्स में देखें तो एक ओवोजेनेसिस में एक ओवम का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से एक फीमेल में अगर आप देखें तो एक मेगास्पोरोजेनेसिस में केवल एक मेगास्पोर मतलब एक एम्ब्रियो शय का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से अगर आप देखें तो एक मियोसिस में मेल में चार गैमेट चार सेल्स बनती है, जबकि एक मियोसिस में फीमेल में केवल एक सेल्स बनती है। या चाहे आप ऐसे लिख लें, टेक्निकल बात यह है कि मेल में जब मियोसिस होती है, मेल में अगर मियासिस होती है, मियासिस होती है चाहे वो प्लांट का मेल हो चाहे फीमेल उसका प्लांट हो एनिमल का मेल हो, तो उसमें चार सेल्स बनती हैं, चार हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर फीमेल है और इसमें मियासिस हो रही है तो बनेंगे यहाँ चार, यहाँ पर भी बनेंगे चार, यहाँ पर भी बनेंगे, लेकिन यहाँ पर एक सेल केवल बनेगी और एक सेल भी हैप्लॉइड होगी। इस तरह से आपको ये टेक्निकली समझना है कि मेल में जैसे मान लीजिए स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्म कितने बनेंगे एक सेल से चार, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है एक माइक्रोस्पर्म मदर सेल से कितने माइक्रोस्पर्म बनेंगे चार। लेकिन अगर आप इसे देखें ओवरी में ओजेनेसिस हो रही है तो एक ओवम बनेगा और इसमें मेगास्पोर मदर सेल में मेगास्पोरोजेनेसिस हो रही है तो एक मेगास्पोर बनेगा। इस तरह से मियोसिस जो होता है, जो एनसीईआरटी ने लिखा है कि स्पेशलाइज्ड सेल्स जहां पर मियोसिस होती है, जिन सेल्स को हम म्यूसाइट्स कहते हैं वो कोई और सेल नहीं है म्यूसाइट्स वाली, वो यही सेल्स है जिन्हें हम जर्म सेल्स कहते हैं। एक बात आप ध्यान रखेंगे, मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल्स में होती है। मियोसिस टेक्स प्लेस ओनली इन डिप्लॉइड सेल, कभी भी ये हैप्लॉइड सेल नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? आप मैथमेटिक्स के हिसाब से ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ एन है तो यहाँ एन बाई फोर होगा, जब यहाँ टू एन होगा तभी यहाँ पर एन होगा, मतलब मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल्स में ही बनती है, इसका ध्यान रखें। भाई सूरज भाई जो नींद में आ गए हैं जो ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मैं मतलब आपको बता दें इसकी मुझे हंसी आ रही है। आइए देखा जाए, सूरज भाई के नाम मियोसिस आज की शाम, आइए देखा जाए। तो अगर आप मियोसिस देखते हैं तो इस मियोसिस में जो है ये जो मियोसिस है इसके दो फेज है, ध्यान से देखो ये वही मियोसिस है जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आप मियोसिस देखते हैं तो इसके मियोसिस के दो फेज होते हैं, पहला फेज होता है जिसे मियोसिस फर्स्ट कहते हैं, इसी मियोसिस फर्स्ट का दूसरा नाम रिडक्शनल डिवीजन है। ये देखिए मियोसिस फर्स्ट का दूसरा नाम रिडक्शनल डिवीजन, ये देखिए रिडक्शनल डिवीजन। तो ये पहला फेज होता है मियोसिस में, मतलब मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन, एक्चुअली सही मियोसिस यही होता है। अगर आप इसका दूसरा देखते हैं तो उसका जो फेज का नाम है वो मियोसिस सेकेंड है। मियोसिस सेकंड जो है लगभग माइटोसिस जैसी होती है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए इसको होमोटिपिक डिवीजन कहते हैं, होमोटिपिक डिवीजन कहते हैं। आपको ये बात सीखनी पड़ेगी। ये तो मियोसिस के दो फेज होते हैं, बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, अगर आप समझ जाएंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा, आपको ज्ञान मिलेगा और आप इस जीवन से जो है आपको मोक्ष निर्वाण प्राप्त होगा और आप अगले जीवन में चले जाएंगे। अब देखिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, इसमें अगर पहला फेज ये देखा जाए, ध्यान से देखना है आपको, थोड़ी सी टिपिकल बात है समझना पड़ेगा आपको। इसमें जो पहला फेज होता है उसे इंटरफेज फर्स्ट कहते हैं, मतलब एक सेल होगी जिसे स्पर्म मदर सेल कहेंगे या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे, वो सबसे पहले जी1 या जी2 में जाएगी, इंटरफेज फर्स्ट में कोई डिप्लॉइड सेल जाएगी, मतलब यहाँ पर डीएनए डबल होगा। जब इंटरफेज फर्स्ट में जाएगी, इंटरफेज बाद किस फेज में जाएगी, अगर मैं आपसे पूछूं इंटरफेज के बाद मियोसिस में जाएगी, फिर इंटरफेज फर्स्ट के बाद उसके न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो उसे हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। अभी हम आपको इसको अच्छे से क्लियर करते हैं, कैरियोकाइनेसिस माने न्यूक्लियस का पहली बार डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। अब इस न्यूक्लियस के डिवीजन में बहुत सारे फेज है, जैसा आपने पहले पढ़ रखा है, पहला फेज होता है जिसे प्रोफेज कहते हैं। अब ये प्रोफेज फर्स्ट भी है, थोड़ा सा टफ है, आप पहली बार लेवल में पढ़ रहे हैं तो प्रेशर होगा, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इस प्रोफेज फर्स्ट में भी लगभग फर्दर पांच फेज होते हैं, थोड़ा सा आप नाम देख लें पांचों फेज के, वो कौन से फेज हैं। पहला फेज होता है जिस फेज को हम लोग लेप्टोटीन कहते हैं, लेप्टोटीन कहते हैं। दूसरा फेज होता है जिसे हम लोग जाइगोटीन कहते हैं, लेप्टोटीन हो गया पहला फेज, दूसरा फेज हो गया जिसे जाइगोटीन कहते हैं। तीसरा फेज होता है जिसे हम लोग पैकेटीन कहते हैं,
पैकेटीन कहते हैं। चौथा फेज होता है जिसे हम लोग डिप्लोटीन कहते हैं, डिप्लोटीन कहते हैं। और इसका लास्ट फेज होता है जिसे हम लोग डायाकाइनेसिस कहते हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो ये पांचों फेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पांचों फेज को अच्छे से सीखना है। फिर से आप समझ लें, किसी भी सेल को डिवीजन में जाने के लिए पहले म्यूसिस फर्स्ट पे जाना पड़ेगा, इंटरफेज फर्स्ट पे जाएगी, जहां पर उसके डीएनए डबल होंगे, क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होगा, क्रोमोसोम संख्या को ऐसा नहीं पढ़ना, ऑलरेडी आपने पढ़ा था सोसाइटी में। फिर करीब फर्स्ट न्यूक्लियस के डिवीजन में जाएगी, प्रोफेज फर्स्ट पे जाएगी, उस पर पहले वो लेप्टोटीन में जाएगी, फिर वो जाइगोटीन में जाएगी, फिर वो पैकेटीन में जाएगी, फिर वो डिप्लोटीन में जाएगी, फिर वो डायकाइनेसिस में जाएगी। इन पांच फेजेस में, मतलब प्रोफेज फर्स्ट फर्दर पांच फेज, जब ये प्रोफेज फर्स्ट को पूरा कर लेगी तब आप ध्यान से देखें, ये सेल जाएगी मेटाफेज फर्स्ट में। इसमें कोई फर्दर फेज नहीं है, इसलिए आपको इस फेज के पढ़ने की बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। आपको इसमें मेनली ये बात सीखनी है, प्रोफेज फर्स्ट के जो सीक्वेंस है उनको समझना है। मैं आपको बता दूं इसके तमाम सीक्वेंस वन बाई वन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको हर फेज के सीक्वेंस क्लियर याद होने चाहिए एनसीईआरटी के हिसाब से एटलीस्ट। और हर साल ये आज तक के इतिहास में, नीट के इतिहास में अभी तक कोई साल नहीं जाता है जिसमें एक क्वेश्चन या कभी कभी दो क्वेश्चन इससे ना आते, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और दूसरी बात यह है कि कुछ ही लोगों को समझ नहीं आती। अगर आपको समझ में आ गई अब आप मनुष्य हैं, और नहीं समझ में आ गई तो आप अपने हिसाब से समझ लेंगे आप क्या है। आइए देखा जाए, मेटाफेज फर्स्ट के बाद आइए फिर जाएगी एनाफेज फर्स्ट में जाएगी, एनाफेज फर्स्ट में जाएगी, एनाफेज फर्स्ट में जाएगी। यहाँ देखिए एनाफेज फर्स्ट के बाद ये टेलोफेज फर्स्ट में जाएगी, टेलोफेज फर्स्ट में जाएगी, ये देखिए। तो ये चार फेज हो गए कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट के। दूसरी बात देखिए, जब इसके न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा तो अब आप यहां देखिए, अब ये जाएगी साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट माने पहली बार डिवीजन होगा और एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होगा, ये कॉन्सेप्ट। तो अगर आप अभी तक पूछो क्या होगा, एक बार इंटरफेज होगा। इस इंटरफेज में तीन फेज होते हैं, एक होता है जी1, दूसरा होता है यस और तीसरा होता है जी2, ये आप जानते हैं। तो अभी तक मैं अगर आपसे पूछूं डीएनए का रिप्लिकेशन कितनी बार होता है, कहेंगे सर एक बार हुआ, यस फेज। न्यूक्लियस रिवीजन कितनी बार हुआ, एक बार। सेल रिवीजन कितनी बार हुआ, एक बार। इस तरह से अगर आप यहाँ पर ऐसे बेसिक पास सीखें कि ये एक सेल थी जिसको 2n = 46 क्रोमोसोम थे, जब ये यस फेज में गई होगी तो इसपे डीएनए हो गया होगा 4c, मतलब ये सेल क्रोमोसोम के हिसाब से डिप्लॉयड है लेकिन डीएनए के हिसाब से टेट्राप्लॉयड है। इस डिवीजन के अंत में इस सेल से दो सेल बनी होंगी, जब दो सेल्स बनी होंगी तो उनमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है। ये देखिए क्रोमोसोम, अगर आप देखें n = 23 आप यहां देख लें, लेकिन अगर आप इसका डीएनए देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, डीएनए इसमें 2c है और इसमें भी डीएनए 2c है, ये देखिए। मतलब ये जो दोनों सेल्स हैं क्रोमोसोम के हिसाब से तो हाफ है लेकिन डीएनए के हिसाब से डिप्लॉयड है। एक सेल से कितने सेल बने, दो सेल। कितने न्यूक्लियस रिवीजन हुआ, एक बार न्यूक्लियस रिवीजन हुआ, एक बार सेल रिवीजन हुआ, एक बार इंटरफेज है। इस सेल का डीएनए कितनी बार डबल हुआ, एक बार डबल हुआ, यस फेज। इसमें ये सेल क्रोमोसोम के हिसाब से तो हैप्लॉयड है लेकिन डीएनए के हिसाब से डिप्लॉयड है। मतलब एक पेरेंट सेल होगी जो 46 क्रोमोसोम रहा होगा, जीवन फेज में रही होगी, जब यस हो जाएगी तो डीएनए डबल हो जाएगा, क्रोमोसोम संख्या कोई सा नहीं पड़ता है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो ये जो दो सेल्स बनती हैं मियोसिस फर्स्ट में, एक सेल से दो सेल बनेंगी, दोनों सेल्स में क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, क्रोमोसोम के हिसाब से हैप्लॉयड होती हैं लेकिन डीएनए के हिसाब से वो डिप्लॉयड होती हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो अभी एक्चुअली ये सेल क्रोमोसोम के हिसाब से हैप्लॉयड है, डीएनए के हिसाब से डिप्लॉयड है। तो आगे क्या होना चाहिए, इसका डीएनए हैप्लॉयड होना चाहिए। अब ये दो जो सेल्स बननी है ये आगे दोनों डिवीजन में जाएंगे, जब ये दोनों डिवीजन में जाएंगे तो क्रोमोसोम की संख्या में कोई डिफरेंस नहीं आएगा बल्कि इनका डीएनए हाफ होगा। इसके लिए इनको अब जाना चाहिए इस फेज में। अगर आप इसका दूसरा देखें तो इसका इंटरफेज के बाद, इंटरफेज फर्स्ट जैसे वहां पर, तो यहाँ पर इंटरफेज न कहके इसे हम लोग इंटरकाइनेसिस फर्स्ट कहते हैं, इंटरकाइनेसिस फर्स्ट कहते हैं। इंटरकाइनेसिस फर्स्ट ही कहते हैं क्योंकि ये जो सेल्स है ये जी1 में जाती है, जी2 में जाती है, यस फेज में नहीं जाती। कौन सी सेल्स, ये जो दो सेल्स होंगे, क्यों यस फेज में जाती, क्योंकि डीएनए ऑलरेडी इनका डिप्लॉयड, अगर ये यस फेज में जाएंगी तो डीएनए का क्या हो जाएगा, टेट्राप्लॉयड हो जाएगा, जबकि क्रोमोसोम ये नहीं रहेंगे, इसलिए वहां पर इंटरफेज में कहकर इंटरकाइनेसिस कहा जाता है, ध्यान रखना चाहता हूँ। इसके बाद ये देखिए दूसरा इसका जो डिवीजन है इसे हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस सेकंड, कैरियोकाइनेसिस
काइनेसिस सेकंड, कैरियोकाइनेसिस सेकंड, ये इसका दूसरा फेज है, मतलब दूसरी बार फिर से न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। तो कैरियोकाइनेसिस सेकंड में अगर आप देखें इसके फर्दर फिर वही पुराने फेज, आप पहला फेज देखेंगे इसे हम लोग प्रोफेज सेकंड कहते हैं, ये देखिए ये प्रोफेज सेकंड है, फिर ये वही सेम कॉन्सेप्ट जो आपने पहले पीछे पढ़ा हुआ है, ये मेटाफेज सेकंड है, मेटाफेज सेकंड है, ये देखिए ये एनाफेज सेकंड है, एनाफेज सेकंड है, एनाफेज सेकंड है, और ये जो है ये टेलोफेज सेकंड है, टेलोफेज सेकंड है। और यहां पर देखिए लास्ट में एक फेज है जिसे हम लोग साइटोकाइनेसिस सेकंड कहते हैं, साइटोकाइनेसिस सेकंड। अगर आप देखें बेटा बहुत बेसिक तरीके से दिल खाम के सीखना है, जैसे आप दिल खाम के ऐश्वर्या राय को देखते हैं, कैटरीना को देखते हैं, ऐसे ही आपको बायोलॉजी देखनी है। उगाने से तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, बताओ हम क्या देखें, मियासिस देखो, मियासिस देखो, चेहरे से नजर हटनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने 32 बार बताया है कि दुनिया में दो ही लोग बेवफा है, एक एनसीईआरटी और दूसरा डिमोनिटाइजेशन में एक लड़की का नाम आता है सोनम गुप्ता, ये दो लोग क्या है, बेवफा है। मतलब बेवफा किसे कहते हैं, जो वफा ना नहीं पाए, वहां मतलब जो धोखा दे जाए वो बेवफा। हमसे भी एनसीईआरटी बेवफाई करती है, लेकिन हमसे छोड़ते नहीं, मोहब्बत कर लिया है हमें। आइए देखते हैं, तो ये जो एक सेल से दो सेल्स जो बनी है वो दोनों सेल्स यहाँ डिवीजन में जाएंगे, ये जो वो जो सेल्स बनी है। आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, आप कंफ्यूज बहुत होते हैं और अपना कान खुजलाते हैं, कान खुजलाने से काम चल रहा नहीं, ये पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो मन लगाओ, होशियार हो ही तुम, दुनिया के सबसे जीव हो तुम, तुम्हें कोई टक्कर नहीं दे सकता, हाथी घोड़ा पैर छूते हैं, मनुष्य है। आइए देखा जाए, तो अगर यहाँ पर देखें, वहां एक सेल्स जो दो सेल्स बनी थी उन सेल्स को क्रोमोसोम थे एन बराबर 23, लेकिन सब मामला किस पे अटका था, डीएनए पे, डीएनए इसका जो था डीएनए के हिसाब से सेल डिप्लॉयड थी। तो अगर डीएनए के हिसाब से सेल डिप्लॉयड थी तो इन दोनों सेल्स से दो दो सेल्स बनेंगे, ये देखिए जब दो दो सेल्स बनेंगे भाई एक सेल से दो सेल बनेगी, तो जब ये दो सेल्स बनेगी थोड़ी सी इनकी स्थिति देख लीजिए, अगर आप इनको देखें तो ये देखिए ध्यान से समझ जाए आपको, ये यहाँ पे यहाँ बराबर आप देखें क्रोमोसोम की संख्या सेम है, एन बराबर 23, एन बराबर 23, एन बराबर 23, एन बराबर 23। अगर आप ये बात समझ जाए बेटा, ये बात समझ जाए, तो ये जो दो सेल्स बनी थी इनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 23, और इन 23 का जब डिवीजन हुआ क्रोमोसोम की संख्या कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसीलिए इसको आपने मियासिस सेकंड को होमोजिगस डिवीजन कहा। लेकिन इनका जो डीएनए 2C था, अब आप थोड़ा सा देखें डीएनए इनका क्या हो गया, सी हो गया, इनका डीएनए क्या हो गया, सी हो गया, इनका डीएनए क्या हो गया, सी हो गया, इनका भी डीएनए क्या हो गया, सी हो गया। इस तरह से आप देखें तो ये चारों सेल्स इस समय क्रोमोसोम और डीएनए के हिसाब से हैप्लॉयड है। इन चारों सेल्स का नाम क्या हो सकता है, ये स्पर्म हो सकती है, ओवम हो सकती है, पॉलीग्रेस हो सकती है प्लांट से केस में, और ये जो है हो सकती है क्या, इसके सिवा हो सकती है क्या कहते हैं कि यूरेशिया हो सकती है। तो अब अगर आप टोटल इस साइकिल को देखें ध्यान से देखें तो आपसे पूछा जाएगा कि इस पूरे साइकिल में डीएनए का रिप्लिकेशन कितनी बार हुआ। एनसीईआरटी में है इसलिए मैं आपसे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, डीएनए का रिप्लिकेशन कितनी बार हुआ। आप एक बार बोर्ड को देखें, फिर अपने आप को देखें, अपना चेहरा देखें, अपना दिल देखें, दिमाग देखें, और फिर हमें देखें। जब आप हमें देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये वो जगह है जहां पर डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है, सिर्फ एक जगह। फिर आप साइकिल में यहाँ पर न्यूक्लियस रिवीजन हो रहा है, यहाँ सेल्फ रिवीजन हो रहा है, यहाँ डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं हो रहा, जीवन जीतन जा रही है। इस तरह से अगर आप देखें तो डीएनए का रिप्लिकेशन टोटल एक टाइम हो रहा है, सिंगल टाइम डीएनए की रिप्लिकेशन एक बार हो रहा है। दूसरा देखिए, अगर आपसे मैं पूछूं न्यूक्लियस डिवीजन कितना हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन कितना हो रहा है, तो अगर आप न्यूक्लियर डिवीजन देखें, न्यूक्लियर डिवीजन तो बहुत सिंपल सा है, न्यूक्लियर डिवीजन दो बार हो रहा है। कहां हो रहा है न्यूक्लियर डिवीजन, सिंपल सा आंख गड़ाइए, ऐश्वर्या राव को देखिए और देखिए, तो ये देखिए प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, टेलोफेज, टेलोफेज फर्स्ट, यहां साफ साफ लिखा है कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, और यहां साफ साफ लिखा है कैरियोकाइनेसिस सेकंड। आपने ये सब न्यूक्लियस डिवीजन दो बार हुआ, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सेल का डिवीजन कितनी बार हुआ,
देखिए बहुत आसान है, अगर आपको डाउट हो रहा है तो कैरियोकाइनेसिस दो बार लिखा है, साइटोकाइनेसिस भी दो बार लिखा है, सेल्फ डिवीजन भी दो बार हुआ। एक सेल का डिवीजन यहाँ हुआ तो एक सेल से दो सेल बनी, और एक सेल का डिवीजन यहाँ हुआ एक सेल से दो सेल बनी। इसके सिवा अगर आपसे कोई पूछे सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग कितनी बार हुई, तो ये भी हमने आपको पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन सेंट्रोमियर की जो स्प्लिटिंग होती है वो एक बार होती है। अभी जब हम फिगर बनाएंगे अपने आप समझ जाएंगे, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग जो होती है वो होती है एनाफेज सेकेंड में होती है। तो आपकी एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ये बात पूछी जाती है कि मियोसिस में डीएनए का रिप्लिकेशन कितनी बार हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको सीखना है। डीएनए का रिप्लिकेशन एक बार हुआ, न्यूक्लियस डिवीजन दो बार हुआ, सेल्फ डिवीजन दो बार हुआ, और सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग एक बार हुई। इस तरह से मियोसिस में अब हमें क्या करना है, सबसे कॉम्प्लेक्स फेज ये पांचों पढ़ने हैं, इनके सीक्वेंस याद करने हैं। इस पूरी मियोसिस में आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसका सीक्वेंस पूछा जाता है, लगातार फेजेस लिखे जाएंगे और कहे जाएंगे आप इसको अरेंज कर दें, तो आपको इसके सारे फेज अरेंज करने पड़ेंगे। इसका कोई ट्रिक नहीं होता, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको याद करना पड़ता है। ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है, ट्रिक इधर उधर चाहे जो बनाते हैं कुछ काम नहीं करती है। जैसे अगर आप याद करेंगे स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, अगर इसको आप शॉर्ट करना चाहें इसका फार्मूला क्या हो सकता है, इसका फार्मूला हो सकता है LZP d2, लेकिन ये कोई फार्मूला नहीं, इससे अच्छा काफी डायरेक्ट इसमें याद कर ले। फार्मूले तब बनते हैं जब कोई सीक्वेंस बैठे, यहाँ कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए आप इसको सीक्वेंस में याद करें। और आइए इसके एक एक यूनिट को देखा जाए, पहले प्रोफेज फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट को देखा जाए, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट को देखा जाए, ये सारे इवेंट्स पढ़े जाए, और फिर बाद में हम लोग सीक्वेंस को एक तरफ से अरेंज करते हैं और मुस्कुराते हैं जैसे धरती आसमान चांद सितारे मुस्कुरा रहे हैं। बड़ा देखो मियोसिस फर्स्ट का पहला फेज देखते हैं, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट कहते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से प्रक्रिया शुरू करते हैं, ये एक सेल है जिसको डिवीजन में जाना है। इस सेल का ये जो है सेंट्रियोल है, जैसा आपने पहले पढ़ा हुआ है, ये क्रोमोसोमल मटेरियल है जो कंडेंस होता है। इसमें सेल जो है इंटरफेज में, इंटरफेज मतलब इसमें सेल जो है इंटरफेज फर्स्ट में, ऐसा कह सकते हैं। इस सेल ने G1 पूरा किया है, S पूरा किया है और G2 पूरा किया है। इस सेल में इस समय डीएनए का अमाउंट जो है वो 4C है और क्रोमोसोम का अमाउंट 2N46 है। मतलब क्रोमोसोम के हिसाब से ये सेल जो है डिप्लॉयड है और डीएनए के हिसाब से ये सेल जो है टेट्राप्लॉयड है। डीएनए के हिसाब से टेट्राप्लॉयड है लेकिन क्रोमोसोम के हिसाब से डिप्लॉयड है। अब इस सेल का डिवीजन होना है, मतलब ये मदर सेल है जिसमें मियोसिस फर्स्ट हो रही है। अब इसमें अगर आप देखें तो दो तरह के क्रोमोसोम हैं, एक माँ के क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम है। अगर आप ध्यान से देखें एक क्रोमोसोम है पैटर्नल क्रोमोसोम, पैटर्नल क्रोमोसोम जो होते हैं वो फादर के क्रोमोसोम होते हैं, तो ये पैटर्नल क्रोमोसोम संख्या 23 है। एक क्रोमोसोम है जिसे हम लोग मैटर्नल क्रोमोसोम कहते हैं, मैटरनल क्रोमोसोम मतलब मदर वाला क्रोमोसोम, उसकी भी संख्या 23 है। मतलब ये जब सेल्फ कंडेंस करेगी और 46 क्रोमोसोम बनाएगी तो इस 46 क्रोमोसोम में ये दो तरह के आपको क्रोमोसोम दिखाई पड़ेंगे। एक दिखाई पड़ेगा 23 का मैटरनल क्रोमोसोम और एक दिखाई पड़ेगा 23 का पैटर्नल क्रोमोसोम। दो तरह के सेट ऑफ क्रोमोसोम से जो इसके डिवीजन में आ रहे हैं। अब देखिए वो क्या रहा है, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट के सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट के लेप्टोटीन स्टेज में सेल जाएगी। यहाँ पर आप स्टेज का नाम लिख लें कि स्टेज का नाम है लेप्टोटीन। सबसे पहले ये स्टेज आता है जिसे लेप्टोटीन कहते हैं, पहला स्टेज आता है सेल डिवीजन। तो इस लेप्टोटीन में होता क्या है, इस लेप्टोटीन में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना शुरू हो जाती है, खत्म इसके अंतिम फेज में होगी। तो आप चाहे लिख दें पहला कमेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग, मतलब अब ये डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही प्रक्रिया शुरू होगी ये मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। दूसरा देखिए क्रोमोसोमल मटेरियल गेट कंडेंस्ड, क्रोमोसोमल मटेरियल गेट कंडेंस्ड,
इसके अंदर का जो क्रोमोसोम का मटेरियल है वो कंडेंस्ड होना शुरू हो जाएगा। ये दूसरा काम होगा। आप ये बात समझे कि ये दो बड़ी प्रक्रिया होंगी। एक तीसरी बात लिखिए, कैन बी व्यूड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर आपको इसको देखना है तो आप इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करें, तब आपको ये दिखाई पड़ेगी। कैन बी व्यूड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये सबसे पहला स्टेप है जो शुरू हो रहा है। कैन बी व्यूड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब अगर आप समझो तो यहाँ पर अगर आप फिगर देखे तो ये क्रोमेटिन है। इस क्रोमेटिन का फ्यूचर ये है कि अब ये कंडेंस हो रहा है और आपको इस सेल के अंदर ऐसे दो तरह के क्रोमोसोम दिखाई पड़ेंगे। ऐसे एक इस कलर का दिखाई पड़ेगा मैटरनल और इस कलर का दिखाई पड़ेगा पैटर्नल। यहां भी बना सकते हैं आप ऐसे, आपको कंडेंस होकर क्रोमोसोम अभी दिखना शुरू करेंगे जगह जगह पर ऐसे कर सकते हैं आप ये। अब इस तरह से आपको 23 सेट दिखाई पड़ेंगे। तो अगर आप इसको मान लीजिए पैटर्नल मान लेते हैं मदर का मान लेते हैं, तो आप इसे पैटर्नल मान लें। ऐसे ही आपको अब इसके अंदर क्रोमोसोम दिखाई शुरू होना दिखाई पड़ेगा। अभी ये सब एक दूसरे से दूर रहते हैं। इनके जो सेंट्रियोल है, इनके जो क्रोमेटिड्स हैं, वो देखिए ये सेंट्रियोल है जो स्प्लिट होकर किनारे जाना शुरू कर देता है। आप एक कमेंट और लिख सकते हैं इलेक्ट्रोटीम में सेंट्रियोल मूव्स टू अपोजिट पोल्स। सेंट्रियोल मूव्स टू अपोजिट पोल्स, जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ये देखिए अब इससे के अंदर सारे ऐसे क्रोमोसोम दिखाई पड़ेंगे। अभी कुछ क्लियर नहीं दिख रहा। इलेक्ट्रोटीम भी ऐसे ही होता है, सबसे पहला स्टेप होता है। इलेक्ट्रॉन्स माने होता भी है कि आपको अब आप इसमें केवल एक बात करते हैं, ये क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहला स्टेप हो गया कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। पहला स्टेप क्या हो गया, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। इलेक्ट्रोटीम आपको इसे दिखाई पड़ेगा। अब इलेक्ट्रोटीम के बाद जो अगला स्टेज है उस स्टेज का नाम है जायगोटीन। अगर आप जायगोटीन देखें तो जायगोटीन में क्या प्रक्रिया हो रही है ये समझना पड़ेगा। ये देखिए दूसरा स्टेप है, इस स्टेप को लोग जायगोटीन कहते हैं। ये देखिए जायगोटीन, यहां अगर आप इसको बेसिकली समझे तो ये क्रोमोसोम जो ऐसे थे ऐसे दूर दूर पड़े थे, इनमें आपस में कोई नजदीकी नहीं थी, अलग अलग जगहों पे पड़े थे। एक चीज और इसमें जो पड़ गया, इस समय ये बकेट स्टेज में दिखाई पड़ते हैं। बकेट स्टेज मतलब ये हुआ कि जैसे आप किसी को उसके सालगिरह पे मैरिज एनिवर्सरी पे आप वो दिखाई देते हैं, क्या कहते हैं, बकेट देते हैं, वो फूल गुलदस्ता ऐसा होता है। इस तरह से आपकी क्रोमोसोम दिखाई पड़ेगी इसके अंदर। अब दूसरा स्टेज देखिए, अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी रहेगी, सब कुछ नहीं होगा, आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगातार बनाते रहें। ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब खत्म होती है इसकी लास्ट फेज में खत्म होती है। यहाँ पर आप सबसे पहले सेंट्रियोल बना दें, इसकी चर्चा आप खत्म करें, और ऐसे आप स्पिंडल फाइबर बना दें। ये तो एक बहुत बेसिक प्रक्रिया जो हो रही है उसको ध्यान दे रहे हैं। हम मेन मेन स्टेप देख रहे हैं, तो आपको इसमें क्या देखना मैं भी याद कर लें। आपको बस ये याद करना था क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हो गए, ये आपको याद करना है। अब आप यहां देखिए, ये जो क्रोमोसोम दूर दूर थे अब ये नजदीक आएंगे। अब ये जब नजदीक आएंगे तो स्थिति कुछ ऐसी होगी। ये देखिए ऐसे, ये एक क्रोमोसोम, चाहे आप मदर को मान लें चाहे फादर को मान लें, जिसका मन कहे आप। ये एक क्रोमोसोम है, इसका भी आपको जिसका मन कहे आप मान लें। ये हो गया एक, मतलब एक किसी व्यक्ति का क्रोमोसोम, और इसके बगल में ये दूसरा सेट है क्रोमोसोम का, चाहे आप इसे फादर का मान लें चाहे आप इसे मदर का मान लें। ये देखिए जी, और अब ये क्रोमोसोम जो है आपस में नजदीक आना पड़ेंगे, आना शुरू करेंगे। जब ये साथ में आ जाते हैं तो इन्हें हम लोग बाईवैलेंट कहते हैं या फिर टेट्राड कहते हैं। इन्हें नजदीक को लाता है उसको देखा जाएगा। इनको जो नजदीक लाता है उस कॉम्प्लेक्स का नाम है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, मतलब आपको जायगोटीन पढ़ा रहे हैं। आप जब जायगोटीन स्टेज देखेंगे तो आपको इस सेल के अंदर दो तरह स्थितियां कुछ ऐसे दिखाई पड़ेंगी। ये देखिए, आप जो भी क्रोमोसोम मान लें, आपका जो मन चाहे मदर को मान लें चाहे फादर को मान लें, जो भी आपको मन में आए,
ये ऐसे क्रोमोसोम आपको सेट पे दिखाई पड़ेंगे, जोड़े में दिखाई पड़ेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, आप कहेंगे सर 46 क्रोमोसोम। 46 अगर हम जोड़े में करते कितना दिखाई पड़ेगा, 23 दिखाई पड़ेगा। तो इस समय सेल में ये जो जोड़े हैं ये नजदीक आ जाते हैं, ये देखिए आपस में ऐसे नजदीक आ जाते हैं और ये इंड टू इंड ऐसे आपस में एकदम नजदीक आ जाते हैं। जोड़े में दिखाई पड़ते हैं इस तरह से, इन जोड़ों को हम लोग बाइवेलेंट कहते हैं। एनसीईआरटी ने कहा चाहे आप इतने बाइवेलेंट हैं और चाहे से आप टेट्राड के हैं, जो आप कॉमन कह आप कह सकते हैं बाइवेलेंट या टेट्राड, इन्हें नजदीक कौन लाता है, इन्हें नजदीक लाने वाला जो आते हैं उसका नाम सिनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स है। एक खास तरह का कॉम्प्लेक्स होता है सिनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स। ये सिनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम को नजदीक लाता है, इंड टू इंड और वेस टू वेस सिनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स। ये डीएनए का बना होता है, कुछ खास तरह की प्रोटीन्स होती हैं जिससे इसका फॉर्मेशन होता है। अगर आपको जाइगोटिन के इवेंट्स लिखने हैं तो जाइगोटिन में क्या हो रहा है, तो सबसे पहले लिखिए फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोन्यूमल फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स। ये खास तरह के डीएनए से और प्लस प्रोटीन से बना हुआ है। काम क्या है इसका, अगर ये आप एक मदर का क्रोमोसोम मानते हैं ये वाला, और ये आप फादर का क्रोमोसोम मानते हैं यहां पे, तो इन दोनों को नजदीक लाने का काम करता है। जब ये नजदीक आ जाते हैं तो इनकी स्थिति आपको ऐसे दिखाई पड़ती है, ये मैटरनल हो गया और ये पैटर्नल हो गया, ये ऐसे आपस में चिपक जाते हैं, काफी क्लोज आ जाते हैं। वो गाना सुना था आपने कि एक गाना है पास वो आने लगे जरा जरा, पास वो आने लगे क्या कैसे जरा जरा। तो इन्हें पास कौन लाया, जो क्रोमोसोम से इन्हें पास कौन लाया, इन्हें पास लाने का काम है सिनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स। जैसे एक आदमी दूसरी तरफ खींच जाता है तो मदर का क्रोमोसोम फादर के क्रोमोसोम की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जब ये आपस में जुड़ जाते हैं एक साथ होते हैं तो इन्हें हम लोग बाइवेलेंट कहते हैं। मतलब बाइवेलेंट की डिफिनेशन पूछा जाए तो बाइवेलेंट की आप कहिएगा सर, ये देखिए बाइवेलेंट मतलब पेयरिंग ऑफ, आपको याद करना है पेयरिंग ऑफ मैटरनल, पेयरिंग ऑफ मैटरनल एंड पेयरिंग ऑफ मैटरनल एंड पैटर्न क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम। मदर का और फादर का क्रोमोसोम जब आपस में नजदीक आ जाते हैं इसे हम लोग जो है बाइवेलेंट का फॉर्मेशन होता है, इसे हम लोग सिनेप्सिस कहते हैं, जो मेन इवेंट है सिनेप्सिस कहते हैं, या इसी को हम लोग सिंडेसिस कहते हैं। ये देखिए सिंपल सी बात है कि क्रोमोसोम है, इसमें जो है क्रोमेटिन कंडेंस है, इसमें क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जोड़े में आ गए, नजदीक कौन आया सिनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स आया। इस तरह से आप देखिए तो किसका फॉर्मेशन हुआ, बाइवेलेंट का या टेट्राड फॉर्मेशन, बाइवेलेंट या ऐसा फॉर्मेशन टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए तो आपको सीक्वेंस कैसे याद करना है, सबसे पहले क्या हुआ क्रोमोसोम कंडेंस हुए, फिर दूसरा क्या हुआ सिनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर क्रोमोसोम आपस में आके जोड़े में खड़े हो गए। अब ये तीसरा स्टेप हो गया, इसे पहले क्रोमेटिन इसे धागे जैसे पड़ा था, फिर कंडेंस हुए क्रोमोसोम बनाया। ये देखिए ये क्रोमोसोम मैटरनल है, या आप ऐसे समझ सकते हैं ये तो अलग अलग क्रोमोसोम है, ये मदर का है ये फादर का, ये दोनों दूर थे सेल के अंदर, इनको नजदीक लाया तो वो पास ये है, इनको लाने का काम किसने किया, एनकेटी ने, सिनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स बने और ये नजदीक चले। जब ये साथ में इसे जोड़े दिखाई पड़ते हैं मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम, एनसीईआरटी कहती है बाइवेलेंट या टेट्राड कहा जाता है। ये स्टेप हो गया, तो पहले क्रोमोसोम कंडेंस हुए, सिनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, बाइवेलेंट का फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप देखिए